हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेडअप, वेलकम टू आवर इम्पोर्टेंट सेशन ऑन बुद्धिज्म। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन इन मे, देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सो आई एम शुभांगिनी एंड वेलकम टू ग्रेडअप एट 3 PM। सो लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड अस ऑन टाइम, सो लेट मी सी कौन कौन है जिन्होंने हमें टाइम पर ज्वाइन किया है। सो चलिए, वी हैव साइमा। साइमा, हेलो एंड वेलकम टू आवर सेशन। And then we have Harry Potter. Hello and welcome to the session. Tabavur, hello. Chitralekha, good evening. Jia, good afternoon. Abhimanyu, welcome to the session. Ahaanur, welcome to the session. Vidisha, good afternoon. तो guys, सबसे पहले आपको रूल पता है, हमारे सेशन का अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी because we should know that who all are attending, कौन हमारे इस हिस्ट्री फैमिली में है which we are about to grow. सयक, गुड आफ्टरनून। सयक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे हो, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, और इफ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री फॉर एनीथिंग आई होप द प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेरी गुड। ओके, सो मंजू, हेलो एवरीबडी, वेलकम। तो फटाफट चलिए सेशन को लाइक करिए एंड प्लीज गिव योर अटेंडेंस। एंड गाइज, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड अप फॉर यू इन द कमिंग मंथ अप्रैल, क्योंकि मई में एग्जामिनेशन है तो अप्रैल का मंथ इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एवरीबडी हु इज गिविंग द एग्जामिनेशन। तो वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, लॉट ऑफ अपकमिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, लॉट ऑफ अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो प्लीज पहले तो ग्रेडअप को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको नोटिफिकेशंस आए इन चीजों के बारे में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग पास्ट ईयर पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन, स्पेशली नेट, क्योंकि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट जब आप पढ़ोगे यू विल लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द वे इट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लॉट ऑफ एक्साइटिंग सेशंस आर देयर एग्जामिनेशन के पहले, तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस देम। इसीलिए जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अटेंडेंस दे दो एंड सब्सक्राइब टू द सेशन। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लोगों की भलाई करनी चाहिए, स्पेशली बुद्धिज्म की बात होने वाली है आज क्लास में। ओके, सचिन, हेलो। रूबी, हेलो। साइमा, मोहिनी, किरण, दीपा, हेलो, वेलकम टू द सेशन। सो आई थिंक मोर और लेस एवरीबडी हैव जॉइंड द सेशन, और हमारे बाकी जो लोग, सो एवरीबडी जॉइन द सेशन ऑन टाइम, इट इज ऑलरेडी 3 PM। सो 1 minute वी आर गोइंग टू, यस जीतेन, MCQs होने वाले हैं, क्योंकि MCQs और ये सारी चीजें आई हैव एक्चुअली केप्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि एग्जाम के आप थोड़ा पहले देखोगे तो आपको थोड़ा रिटेंशन भी रहेगा चीजों में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजें थोड़ा रिटेन करें, क्योंकि यार नेट में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। तो दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप डू नॉट वरी, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं देखा है, अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है, तो यू स्टे विद अस इन अप्रैल एंड यू सी कैसे आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली होती है। ओके, एंड ऑल्सो गाइज दिस वीक वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। तो मैं आप सबको पहले तो इन्फॉर्म कर दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है आज। तो देखिए, बुद्धिज्म पे हमारा सेशन है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट सेशन, क्योंकि बुद्धिज्म के बारे में हम सबको पता है, वी ऑल नो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो किरण, दीपा, सुमिशा, जिनशु, रोमी, वेलकम एवरीबडी। सुमित्रा, मोनिका, दीपांशु, अमृता, लाजवंती, पर्व, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन। तो आज का सेशन देखिए क्विक रिवीजन है बुद्धिज्म में, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेट के लिए आती है। ठीक है, सो नॉट गोइंग डीप इनटू दिस टॉपिक, क्योंकि एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है और अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं घुसना है। ओके, लेख, जितेन, ओके। Imran, my specialization, I have done ancient also, medieval also, modern also, Chinese, Japanese, American। तो जैसे जैसे YouTube सेशन आगे बढ़ेगा, आपको जिस टॉपिक पे जो भी चाहिए we are going to bring you that topic। ओके, अभी टॉपिक्स थोड़े ऐसे हैं बिकॉज इट इज नेट एग्जामिनेशन इज कमिंग, तो सारे टॉपिक्स थोड़े वैसे चुने हुए हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए हल्का फुल्का, यू नो, मेजोरिटी ऑफ द मैक्सिमम चीजें जो आपको एग्जामिनेशन में फायदा कराते हैं। बट डोंट वरी, अमेरिका भी पढ़ेंगे, चाइना भी पढ़ेंगे, जापान भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ओके, so do not worry। okay guys, so पहले सबसे important चीज for the people who are here, I meet you 3 PM। अब आपको याद हो चुका होगा, और नहीं याद है तो प्लीज याद कर लो, on Tuesdays, Thursdays and Saturdays। ठीक है, फिलहाल alternate days में आपसे मिलती हूँ 3 PM, याद से। okay, second thing guys, everybody very very important is, हमारा सेशन होने वाला है on Thursday where we are going to do architecture। ठीक है, सल्तनत आर्किटेक्चर पे एक सेशन होने वाला है on Thursday, and we are going to have प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर पे सेशन ऑन सैटरडे। तो जिनको भी आर्किटेक्चर टॉपिक्स पसंद नहीं है, और जिनको भी आर्किटेक्चर से डर लगता है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उसी से आते हैं, सो डू जॉइन द सेशन सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, सो दिस वीक इज गोइंग टू बी आर्किटेक्चर एवरीबडी, तो डू जॉइन द सेशन। ओके, तो चलिए हमारा बुद्धिज्म पे लेट अस गो एवरीबडी। Karishmita, hello and welcome to the session. तो देखिए Buddhism guys we all know. So let us do this session. Let us just go through. तो आप मेरे साथ इस session को revise करिए, ठीक है? And जो भी आपको चीजें पता है, you please light in the comment section so that we can just revise this topic, ठीक है? तो let us go. सबसे पहले, तो सबसे पहले Lord Buddha, technically Siddhārtha, पहले वो थे, then he becomes Lord Buddha. He was born at Lumbini. Technically this is your present Nepal. ठीक है, अब गाइस होता क्या है जब लॉर्ड बुद्धा पैदा होते हैं, व्हेन ही वाज बोर्न तो ही हैड दिस 32 मार्क्स ऑफ महापुरुष। महापुरुष कौन होते हैं? जो आपकी मेरे जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, जो लिटरली बहुत महान लोग होते हैं। तो व्हेन ही वाज बोर्न जितने आस तो उनके बॉडी में देयर वर 32 साइंस ऑफ महापुरुष, ठीक है, जो उनके बर्थ में पता चल चुका था। अब होता क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, जो महापुरुष होते हैं वो ना दो टाइप के हो सकते थे, या तो वो रिनाउंसर ही हो जाते हैं कि वो पूरा दुनिया त्याग के छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, और महापुरुष कैन बी अ पर्सन हु कैन बी अ वर्ल्ड कॉन्करर, या तो वो पूरी दुनिया ही जीत लेते हैं। तो होता क्या है कि जब वो ब्राह्मण्स होते हैं, व्हेन दे सी जब बुद्धा पैदा होते हैं, एंड जब बुद्धा के जो डैड होते हैं, टेक्निकली सुदोधना उनके डैड का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, तो वो उनको आके कहते हैं कि भाई आपके बेटे में 32 साइंस है महापुरुष के। टेक्निकली आपकी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं थोड़े वियर्ड, जो नॉर्मल लोगों से हमारे जैसे नहीं होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो ऐसे 32 साइंस देखिए ब्राह्मण्स कहते हैं उनके डैड को, हुआ सुदोधन, वो कहते हैं कि यार आपके जो बेटे ही इज अ महापुरुष। और टेक्निकली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से महापुरुष दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रिनाउंसर ही हो सकते हैं कि वो सब कुछ त्याग ही दे, या तो कॉन्करर हो सकते हैं कि सब कुछ जीत हासिल कर ले। तो इनके जो पिताजी होते हैं उनको थोड़ा ही काइंड ऑफ बिकम्स वेरी वेरी फ्यूरियस। उनको लगता है यार मैं नहीं चाहता कि जो मेरा बेटा है वो रिनाउंसर बन जाए, कि वो सब कुछ त्याग दे। इस वजह से क्या होता है उन्होंने बुद्धा के लिए, टेक्निकली सिद्धार्थ के लिए, एक वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं वेयर ही वांट्स कि भाई उनके जो बेटे हैं वो लाइफ की सारे सौरों सारी दुर्दर्श से लिटरली दूर रहे, ठीक है। और दिस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जहाँ पे खाली लग्जरी है, खाली एक प्लेजेंट जिंदगी है, जहाँ पे कोई संसार की कष्ट नहीं है, वो बुद्धा को ऐसी लाइफ देते थे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि बुद्धा इस दूसरे तरीके से ना चला जाए जहाँ पे ही टर्न्स अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड वो छोड़ छाड़ के त्याग कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है उनकी जो लाइफ होती है बड़ा लग्जूरियस लाइफ होती है। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो बुद्धा के लिए क्रिएट किया जाता है कि आसपास उनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, उनके लिए लाइफ वही है जो उनको दिखाई जा रही है, ठीक है। सो फर्स्टली अब नेट में कहाँ पैदा हुए थे तो यू शुड नो लुम्बिनी नेपाल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर तो यू शुड नो सुदोधना उनके पापा का नाम था, ठीक है, एंड माया वॉज उनकी मम्मी, ठीक है। देन सिद्धार्थ मैरिड यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम था ये, एंड उनका सन राहुल। टेक्निकली कभी कभी ये फैक्ट्स आते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा ये नाम याद करके रख लें। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ जो है चार चीजें देखते हैं विच चेंजेस हिज लाइफ, विच इज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। सारे सबके लाइफ में कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं, हम कभी फेल हो जाते हैं, हमारे एग्जाम में खराब मार्क्स आ जाते हैं, कभी कुछ ट्रेजिडीज हो गई लाइफ में। इनके पॉइंट में एट द एज ऑफ 29 दिस इज हिज टर्निंग लाइफ। तो पहले वो क्या देखते हैं, एन ओल्ड मैन, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी, अ सिक मैन जिसकी तबीयत बहुत खराब है, अ कॉप्स यानी कि डेड बॉडी, एंड अ रिनंसिएट। रिनंसिएट क्या होता है, आपके जो भिक्षुस होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं वो होते हैं। तो ये जो चार चीजें वो देखते हैं, इस चार चीज उनकी पूरी लाइफ बदल देती है, क्योंकि टेक्निकली इन्होंने ये सब चीजें कभी देखी ही नहीं थी, इनको पता भी नहीं था कि ये सब चीजें कभी होती भी है, क्योंकि इनके लिए जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो लग्जरी लाइफ क्रिएट किया गया था उसमें ये चीजें दूर दूर तक नहीं थी। उनको था कि भाई लाइफ बहुत ऐसी होती है, आलीशान जिंदगी जो वो जी रहे थे। तो टेक्निकली ये जो तीन चीजें वो देखते हैं, दैट इज योर ओल्ड मैन, दैट इज योर सिक मैन, और ये जो डेड बॉडी वो देखते हैं। ये दीज आर हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये तीन चीजें उनको दिखाती हैं जो लाइफ की हार्श रियलिटीज, आप इससे भाग नहीं सकते। देखिए हम सब बूढ़े होंगे, हमारी तबीयत खराब होगी और हम सब मरेंगे, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो ये सारे लाइफ के ऐसे कड़वे सत्य थे जो उनके पास कभी नहीं दिखे थे। सो दीज आर हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। एंड फाइनली रिनंसिएशन, सबको त्याग करना वॉज अ वे जैसे आप इन तीनों चीजों से, लाइफ के रियलिटीज से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चार चीजें, फर्स्ट थ्री वॉज एक्चुअली लाइफ की दुख दर्द रियलिटी, एंड द लास्ट जो भिक्षु को देखते हैं उनको लगता है कि यार यही आंसर है, इन चीजों से कैसे निपटना है, ठीक है। एंड देन फाइनली ही लेफ्ट हिज हाउस, एंड उनका एक हॉर्स है जिसका नाम कंथक होता है, उस पर बैठ के ही गोस फॉर 6 years तक वो लाइफ की सच्चाइयों को ढूंढते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है लाइफ में, वाई इज दैट कि आपको लाइफ में ये मिजरीज झेलने पड़ते हैं, ठीक है। एंड देन ही गोस फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बुद्धा निकलते हैं, घर से बाहर आते हैं, सच्चाई ढूंढने जाते हैं, तो he meets 5 people, वो 5 लोगों से मिलते हैं, जो 5 ऐसे ये भी भिक्षुस होते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। तो इन 5 लोगों के साथ वो मिलके बहुत सीरियस तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है। बट एक बार बुद्धा को ऐसा लगता है कि यार सारा खाना पीना त्याग के अपने बॉडी को झोंक के वो सोचते हैं कि यार ऐसे लिटरली आप ऐसे तपस्या नहीं कर सकते जो ये 5 लोगों के साथ मिलके वो कर रहे थे। तब उनको रियलाइज होता है कि लाइफ में अगर सच्ची चीजें जाननी है, अगर रियलिटी जाननी है, इफ यू वांट टू नो कि लाइफ में सच्चाई क्या है, ही सेज कि आपको खाना खाना भी जरूरी, यू शुड नरिश योर बॉडी। अगर आप बॉडी नरिश करेंगे देन योर माइंड विल वर्क एंड फाइनली आप मेडिटेट करके जो पीस आपको चाहिए वो आ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन 5 लोगों को कहते हैं कि भाई ऐसा है तपस्या करना ठीक है बट एक्चुअली यू नीड टू ईट फूड ऑल्सो, आपको खाना भी खाना। इस वजह से क्या होता है, इन 5 का बुद्धा के साथ लड़ाई हो जाता है, ठीक है। टेक्निकली मैं आपको एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा स्टोरी बता रही हूँ। एंड ये इनको लगता है यार ये जो बुद्धा है ये बहुत सीरियस तपस्वी नहीं है, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो सब कुछ संसार में खाना पीना सब कुछ त्याग के बैठ के तपस्या करते हैं जब तक उनको वो नहीं मिलता है जो उन्हें चाहिए होता है। सो इनको लगता है कि यार बुद्धा ऐसी फ्रॉड है, कुछ कर नहीं रहे। तो फाइनली ये क्या करते हैं, बुद्धा से लड़ लेते हैं, बुद्धा अलग हो जाते हैं, ये 5 लोग अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं। फाइनली यू शुड नो द नेम बुद्धा को, देयर इज दिस वुमेन कॉल्ड सुजाता, इनका नाम कभी कभी नेट एग्जामिनेशन में आता है। ये उनको ऐसे राइस मिल्क देती है, वो खाते पीते हैं। वंस हिज बॉडी इज फिट वो बैठ जाते हैं मेडिटेशन के लिए अंडर द पीपल ट्री टिल ही अटेन्स एनलाइटनमेंट। तो देखो खाना खाना जरूरी है, ये नहीं कि एग्जाम के लिए नेट आ रही तो आप खाना पीना त्याग के ऐसे पढ़ रहे हो। तो माइंड को अगर चलाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट फूड ऑल्सो, तो ये बुद्धा को भी पता था, ठीक है। फाइनली वो बैठते हैं पीपल ट्री के साथ, पीपल ट्री के अंदर, सो दैट ही अटेन्स एनलाइटनमेंट एंड देन ही सेज कि जब तक ही विल नॉट गेट एनलाइटनमेंट ही वोंट गेट अप। तो चलिए पीपल ट्री के अंदर एनलाइटनमेंट मिलती है। देन फर्स्ट सरमन ही गिव्स एट डियर पार्क नियर बनारस, और ये पहला सरमन किसको देते हैं, यही 5 लोगों को जो बुद्धा को पहले छोड़ के चले गए थे। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है, जब नहीं मिलती है तो हर लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, बट वंस यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ सारे जो लोग आपको पहले यू नो हु लेफ्ट यू हु डिडंट बिलीव इन यू वो आपके पास वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा हम मोटिवेट भी हो सकते हैं बुद्धा के लाइफ से, ठीक है। सो फाइनली उनका जो पहला सरमन होता है ही गिव्स दीज सरमन्स टू दीज 5 people जो उनसे जिनको लगा था कि भाई बुद्धा किसी काम की नहीं है और इतने अच्छे तपस्वी नहीं है, फ्रॉड है, उन्हीं लोगों को ये अपना पहला सरमन देते हैं विच इज नियर बनारस। गाइज ये छोटे छोटे फैक्ट्स नेट के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देन व्हाट हैपेंस, दिस इवेंट इज कॉल्ड धर्मा चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ धम्मा, दैट इज द ऑन स्टार्टिंग ऑफ बुद्धिज्म। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 80 बुद्धा की डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नंस जिसको संगा कहा जाता है। संगर वाज दिस ग्रुप ऑफ मॉन्क्स एंड नंस जो ये एस्टैब्लिश करते हैं। तो आपको थोड़ी सी इनकी लाइफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो जस्ट पिकअप इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए 3 ज्वेल्स 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। क्या 3 ज्वेल्स हैं जिसपे पूरी बुद्धिज्म बेस्ड है, 3 रत्नास जिसको कहते हैं। तो नेट पे ये भी आता है, फर्स्ट बुद्धा द एनलाइटनमेंट वन, हमारे जो बौद्ध है एनलाइटनमेंट जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है। दूसरा उनके टीचिंग्स, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा दैट इज द धम्मा, उनकी डॉक्ट्रिन्स वो क्या सिखाते हैं वो क्या बोलते हैं। तीसरा संघा द मोनास्टिक ऑर्डर जो टेक्निकली ग्रुप होता है जहाँ पे सारे भिक्षुस लोग आते हैं बुद्धिज्म को आगे बढ़ाते हैं, उनका डिसिप्लिन, उनको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। सो दीज आर द 3 ज्वेल्स दैट इज 3 रत्नास जिसपे पूरी बुद्धिज्म आपकी टिकी। फर्स्ट इज द बुद्धा हिमसेल्फ, बुद्धा उनके टीचिंग्स। सेकेंड इज योर संघा मतलब मोनास्ट्री ऑर्डर जहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट होते थे दे यूज्ड टू कम स्टे मेडिटेट बुद्धिज्म को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। देन फॉर नेट वेरी इंपॉर्टेंट इज भाई बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ। बुद्धा ने हम सबको कहा है कि लाइफ में 4 सच्चाई हैं जिसे आप और हम नहीं कुछ कर सकते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो लाइफ की 4 सच्चाई क्या है एवरीबडी, देयर इज सफरिंग, लाइफ में सफरिंग है भाई, हम सबको सफर करना पड़ता है, सबके लाइफ में दुख है तो कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कि दुख से भाग जाओ। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दुख हो तो आप दुख से लड़े, ठीक है। सो लाइफ इज सफरिंग, लाइफ में भाई दुख है तो ही जिंदगी है, जिंदगी के बिना कुछ नहीं। ये इट हैज अ कॉज, हमारे लाइफ में जो कुछ भी सफरिंग है, आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका एक कारण है, ये सबको पता है। अगर हमारे एग्जाम में खराब मार्क्स आ रही है हमारा दुख है तो कारण है कि हमने पढ़ाई नहीं की थी, यार फॉर एनीथिंग। लाइफ में अगर दुख है तो हर दुख का एक कॉज है, हर दुख का एक कारण है, ठीक है। कैसे रिमूव होगा ये, हमारे जो लाइफ के दुख हैं उसका कारण है और वो कारण रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। और कैसे रिमूव होगा कारण, थ्रू दी 8 fold paths ऑफ बुद्धा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुद्धा आपको टेक्निकली सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि देखो लाइफ में दुख तो है ही, ये बुद्धा को पता चल चुका है। दूसरा दुख का एक कारण भी है, सारे दुखों का कारण होता है, ठीक है, कारण हट भी सकता है ठीक है। एंड इस कारण को हटाने के लिए यू शुड नो दी 8 fold पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, अब 8 fold पार्ट क्या है हमारा? राइट व्यू। राइट व्यू मतलब क्या होता है? आप लाइफ में, ये जो दुनिया है ये सौरों से भरी है, दुनिया कष्टों से भरी है, क्योंकि हमारे पास डिजायर है। अगर आप डिजायर को खत्म कर देंगे अपनी लाइफ से, चाह को, यार मुझे कार चाहिए बट हमारे पास पैसे नहीं है, बट हमें कार चाहिए चाहिए चाहिए, ये जो डिजायर है आई वॉन्ट अ कार, इसको कुछ टाइम तक आप हटा दीजिए। इफ यू नो कि भाई पैसा नहीं, कार नहीं आ सकता है तो ठीक है। सो लाइफ इज, वर्ल्ड इज फिल्ड विद सौरो। ठीक है, सौरो क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक डिजायर है, एक चाह है चीजों की। अगर इस डिजायर को हटा दोगे तो लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कि कार नहीं आ सकता है तो भूल जाओ ना उसको, क्यों कार की रट लगानी है। टेक्निकली इसका मतलब यही है, राइट इंटेंशन। ठीक है, लाइफ में भाई इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को जाके हार्म कर रहे हैं, किसी को जाके खराब बोल रहे हैं। तो इंटेंशन लाइफ में बहुत जरूरी है। किसी का जाके आप खराब काम कर रहे हैं, किसी को जाके तंग पहुंचा रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लाइफ के हमारे इंटेंशंस बहुत सही हो, हमारे इंटेंशंस में कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, देन थर्ड, राइट स्पीच। हमेशा अच्छा बोलिए, कड़वी बातें मत बोलिए। कड़वी बातें बोलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसी चीजें मत बोलिए जिससे लोगों को दुख पहुंचे। वही चीजें कहिए जो लोग सुनना चाहते हैं, सरल बातें कहिए, अच्छी चीजें अपने मुंह से निकालिए। फालतू की बातें, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें, इन चीजों को मत करिए। ठीक है, राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब अनसेल्फिश लाइफ जिए। ऐसी लाइफ मत जिए जहां पे सिर्फ खुद के बारे में कर रहे हैं। जस्ट डू थिंग्स विच आर राइट। ठीक है, अनसेल्फिश चीज, लोगों को जाके हेल्प करिए, लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत है तो उनको करिए। अपने एक्शन से अपनी जिंदगी बनाइए। जाके चोरी डकैती, लोगों को पीट रहे हो, ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो टेक्निकली बुद्धा आपको हर वो चीज कह रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं। राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड अगेन, अपनी जो जीवनी है उसको ऑनेस्ट तरीके से जिए। ठीक है, लाइफ को ऑनेस्टी के साथ जिए। ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो। लिव योर लाइफ बाय ऑनेस्ट मीन्स, विद ऑनेस्टी। देन राइट एफर्ट। राइट एफर्ट क्या होता है? आप अपने दिमाग से सारे जो बैड थॉट्स हैं, रिमूव बैड थॉट्स। लाइफ में सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। लाइफ में सेल्फ कंट्रोल रखिए, सही जगह पे एफर्ट लगाइए। फालतू की जो चीजें, जो हम ख्याली पुलाव बनाते हैं, जैसे नेट के एग्जामिनेशन आ रहा है तो हम पढ़ नहीं रहे, हम बस बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ यार एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन ABCD तो मारने हैं, किसी में A मार देंगे। कभी कभी खैर लग भी जाता है बट कभी कभी नहीं भी लगता है। सो बुद्धा इज सेइंग राइट एफर्ट, सही जगह पे अपना एफर्ट लगाइए, फालतू की चीजें मत करिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। बैड थॉट्स, अननेसेसरी चीजें जो आपको अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं, अपनी चीजों से डीमोटिवेट कर रहे हैं, फालतू की चीजों को हटाइए। कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज मेंट इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये बुद्धा कहते हैं। देन ही सेज राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस देखिए क्या होता है, हम लाइफ में परमानेंटली नहीं है। ठीक है, आपको भी पता, आज नहीं तो कल भी ऑल हैव टू डाई, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। बॉडी परमानेंट नहीं है, एंड फॉर दिस ही सेज राइट मेडिटेशन। कहते हैं कि भाई बॉडी परमानेंट नहीं है, मेडिटेशन जो है इट इज द मीन्स टू रिमूव वर्ल्डली इविल। लाइफ में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कुछ हैं, यू शुड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करेगा? इट विल अनरिवील द रियल ट्रूथ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सच्चाई लाइफ की हमें नहीं पता है, सी इट इज ऑलवेज सेड। हमेशा योग में क्यों बोला जाता है मेडिटेट करिए? वंस यू सिट, वंस यू मेडिटेट, यू स्विच ऑफ अननेसेसरी थिंग्स इन योर माइंड, जो कि आई होप आप करते हो। अगर मेडिटेशन में भी हमारे दिमाग में वो खचर बचर चल रही है तो फिर मेडिटेशन का फायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा दिमाग सही जगह पे होना चाहिए, यू शुड मेडिटेट। इस मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, लाइफ की जो सच्चाइयाँ हैं, लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इट विल अनरिवील अपने आप, ऑटोमेटिकली आप लाइफ को थोड़ा डीकोड करने लगोगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका दिमाग जो है वो सही चीजों को देखे। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को हटाइए क्योंकि लाइफ जो है वो हमेशा नहीं चलेगी। बॉडी परमानेंट नहीं है, कभी भी किसी दिन भी हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। सो जब तक आप जिंदा हो, टिल द टाइम योर लाइफ इज गोइंग, ये सारे 8 चीजों को हमें करना है जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी चले। ठीक है, सो दैट इज राइट व्यू, सही चीजों को देखिए, डिजायर हटाइए अपने लाइफ से। इंटेंशन, इंटेंशन है कि भाई किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी के साथ बुरा फील मत करिए। आपके इंटेंशन हमेशा सही होने चाहिए कि भाई मुझे लोगों के साथ अच्छा करना है। राइट स्पीच, कभी भी खराब मत बोलिए, कड़वी बातें मत बोलिए। राइट एक्शन, अनसेल्फिश चीजें करिए। राइट लाइवलीहुड मतलब डिसऑनेस्टी मत करिए, चोर चकारी मत रहिए, अच्छी सीधी चीजों से अपनी जिंदगी जिए। राइट एफर्ट, सही जगह पे एफर्ट लगाइए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, यू नो, रिमूव बैड थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। एंड राइट माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन मतलब दिमाग में मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने से क्या होगा, लाइफ की जो सच्चाई है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा डीकोड होने लगेंगे। आपको सच्चाई, यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बे मतलब की चीजें जो आपको डाइवर्ट करती है उन चीजों को साइड रखिए। तो बुद्धा के हिसाब से अगर आप ये 8 चीजें करेंगे तो आपके लाइफ में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जो भी हमारे 4 प्रॉब्लम्स थे, सफरिंग के लिए भाई सफरिंग हट सकती है तो सफरिंग ऐसे ही हट सकती है। तो टेक्निकली इसको हमें लाइफ में अपनाना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग यही करते हैं, बट वी शुड डेफिनेटली फॉलो दिस इन आवर लाइफ। हाँ गाइस, सो कमिंग टू द नेट एग्जामिनेशन, 8th पार्ट ऐसे तो पूछते नहीं है, बट असर्शन रीजनिंग में आते हैं, और इनकेस कभी आ गया तो ये चीजें तो गलत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल है। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आता है एवरीवन, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार जब व्हेन बुद्धा डाइज, फाइनली व्हेन बुद्धा अटेन्स योर महापरिनिर्वाणा, मतलब जब ही अटेन्स मोक्ष एंड एवरीथिंग, तब बेसिकली बात ये होती है कि यार इनकी जो टीचिंग्स है, जो भी बुद्धा ने सिखा रखी, इनको कंपाइल करने की जरूरत है। इस चक्कर में बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि बुद्धा को टीचिंग्स को कंपाइल करना है, उनको एक जगह रखना है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स आर हेल्ड, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस 4 बुद्धिक काउंसिल्स में बुद्धा के जो मटेरियल है, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, इट आर फॉर्म्ड इनटू पितकास, ठीक है। एंड पितकास में यू नो विनय पितका, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछते हैं, सिंपल सिंपल चीजें, सुत्त पितका एंड अभिधम्मा पितका, ये सारी पाली में लिखी हुई है। सो एवरीबडी, व्हाट डज विनय पितका से? आई थिंक हमने बुद्धिज्म पढ़ा है, तो पीपल हु आर वॉचिंग, विनय पिटका में क्या क्या लिखा हुआ है? एनीवन? स्लाइड उल्टा नहीं है, अभी आने वाला है, डोंट वरी। ओके, सो देखिए विनय पिटका बेसिकली क्या होता है। यस, अजातशत्रु, गुड। एनी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? आज का सेशन थोड़ा क्वेश्चन आंसर कम है, इसका तो ये नहीं कि तुम लोग सो जाओ। तो चलो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में व्हाट ऑल यू नो, किसके टाइम पे ये काउंसिल हुई थी, क्यों हुई थी? एनीवन? रूल्स फॉर सेंट्स, ओके परफेक्ट, पूजा सेज रूल फॉर सेंट्स। बायोग्राफी, परफेक्ट। बाकी लोग जो देख रहे हैं, आपके हिसाब से सी नेट में ये सब चीजें आती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? बुद्ध के टीचिंग्स, परफेक्ट। विनय पिटका इज रूल फॉर बुद्धिज्म्स, काउंसिल इज प्रिजर्व्ड फॉर टीचिंग्स, ओके एवरीबडी। बाकी अगर आप नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बुद्ध के काउंसिल्स लर्न करके डेफिनेटली जाना, क्योंकि ये हमेशा एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, परफेक्ट। पूजा सेइंग रूल फॉर सेंट्स, अहानूर इज सेइंग बुद्धा टीचिंग, ओके। आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो आज आप आंसर नहीं करेंगे, है ना? दिस इज आई शुड ऑलवेज ब्रिंग क्वेश्चंस इन द क्लास। इमरान इज सेइंग राजगीर, ओके। तो बेसिकली गाइस देखो, बेसिकली ये बात है, जब महापरिनिर्वाणा हो जाता है तब होता है कि बुद्धा के टीचिंग्स को कैसे कंपाइल करें। फाइनली इस चक्कर में बुद्धिस्ट काउंसिल्स हेल्ड होते हैं, जिसमें विनय सुतका, अभिधम्मा पिटका आता है। एवरीथिंग इज रिटन इन पाली। अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई विनय पिटका क्या है। विनय पिटका इज रूल्स फॉर मॉन्क्स, ठीक है। आपके जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षुज हैं, उनके लिए रूल्स, ये सारी चीजें विनय पिटका में लिखी है, ठीक है। सुत्त पिटका में क्या लिखी है? यू शुड नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सुत्त पिटका में 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे 5 सेक्शंस, जिसको निकायास कहते हैं, दे टॉक अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड एवरीथिंग। एंड यू शुड नो सुत्त पिटका का जो 5th सेक्शन है, इसमें जो जातकास की हम बात करते हैं, ये जातका टेल्स दिए हुए हैं, which is the birth story of Buddha. So everyone, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम जातका टेल्स की बात करते हैं, जैसे बुद्धा की बर्थ स्टोरीज है, ये किस में मेंशन है? इट इज मेंशनड इन द सुत्त पिटका। सुत्त पिटका का जो 5th सेक्शन है, उसमें जातका स्टोरीज के बारे में मेंशन है। हमेशा नेट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड फाइनली अभिधम्मा पिटका क्या है? अभिधम्मा पिटका इज फिलोसफिकल आइडियाज, फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। एंड आपको हमेशा पता चाहिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है एवरीबडी। तो चलिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल It was held soon after महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, जो मैंने आपको बताया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर हुआ था ये? इट वॉज हेल्ड अंडर द पेट्रनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। ये सब चीजें आपको याद करनी नेट एग्जामिनेशन के लिए। कब हुआ था? 483 BC। टाइम तो नहीं पूछेगा, बट अजातशत्रु यू ऑल हैव टू रिमेम्बर, ओके। प्रिसाइडेड बाय महाकश्यपा। ये थोड़े थोड़े आपको फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, इट वॉज हेल्ड वेयर? राजगृह। राजगृह में क्या हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन सतपनी केव, जो कि राजगृह में, ठीक है। अब हुआ क्या था इस पूरे चीज में? द एजेंडा ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज टू प्रिजर्व द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड मोनास्टिक डिसिप्लिन्स ऑफ गाइडलाइंस फॉर मॉन्क्स। सो इस पूरे फर्स्ट काउंसिल में 2 ही चीजें हुई थी। फर्स्टली, बुद्धा के जो टीचिंग्स थे उनको कैसे प्रिजर्व करना है टेक्निकली, योर सुत्त पिटका ये बना था। एंड दूसरा कि भाई आपके जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षुज हैं, वो रहेंगे तो उनको किस तरीके से रहना है, क्या गाइडलाइंस है, क्या चीजें उनको फॉलो करनी है, दैट इज योर विनय पिटका। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे बनी थी। एक और चीज आपको याद रखनी है, विनय पिटका किसके अंडर हुआ था, तो यू शुड नो उपाली एंड सुत्त पिटका वाज आनंदा। ये दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। एंड देन दैट इज इट। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में यही कौन पेट्रनेज था, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, एंड यू आर रेडी टू गो। चलिए अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं एवरीबडी। ओके, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, इट वॉज हेल्ड एट वैशाली। ठीक है, किस राजा के अंदर, देखिए आपको ऐसी 3-4 पॉइंट्स निकाले, ये नहीं कि आप इसके अंदर बैठ के घुसे हुए हो क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेट्रनेज किसके अंदर हुआ था, ये किंग कालासोका के अंदर। ओके, कब हुआ था, मोर और लेस 383 बीसी। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम नहीं पूछता है। एंड फाइनली किसने प्रिसाइड किया था, इट्स को, इट वाज प्रिसाइडेड बाय सभा कमी। तो आपको ये देखना है कि भाई प्रिसाइड मतलब इसके रूलिंग ऑफिसर कौन, हेड थे कौन, ये सब देख रहे थे। सभा कमी किसके अंदर हुआ था, किस राजा ने इसको पेट्रनेज दिया था, तो आपको ये दो चीजें देखनी है। अब इसका मेन चीज क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटका। अब देखिए होता क्या है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपके भिक्षुज हैं, ठीक है, जो आपके मॉन्क्स हैं पाटलिपुत्रा में, आपको कॉन्टेक्स्ट पता चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मॉन्क्स हमारे थे पाटलिपुत्रा और वैशाली में, ठीक है, इन्होंने एक अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लिया था, ठीक है, जो आपके भिक्षुस को फॉलो करने थे। बट सेम वे हमारे जो मॉन्क्स थे, जो हमारे भिक्षुस थे कोसाम्बी में और अवंती में, ये लोग अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने लगे थे। तो इस बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको कोशिश की जाती है कि इनका थोड़ा झगड़ा को सुलझाया जाए। बेसिकली पाटलिपुत्र और वैशाली वाले जो भिक्षुस थे वो बुद्धा की अलग चीजों को, अलग रूल्स को फॉलो कर रहे थे। कोसाम्बी अवंती वाले जो चीजें थे, ये आपकी जो विनय पिटका के जो रूल्स हैं कि भिक्षुस को कैसे रहना है, ये थोड़ा अलग ही रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो आपस में दोनों का लिटरली लड़ाई हो जाता है। बहुत कोशिश की जाती है इनको ठीक कराने की, बट नहीं होता है ठीक। तो फाइनली इस बुद्धिस्ट काउंसिल में अब योर बुद्धिज्म इज डिवाइडेड, देयर आर टू ग्रुप्स। एक तो है स्थावीरावदीन्स और एक है महासंघिका। तो इसमें डिवाइड हो जाता है ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो जो स्थावीरावदीन्स होते हैं, ये जो विनय पिटका के ऑर्थोडॉक्सिक रूल्स होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये करना है, मान लो से आपको 5 बजे उठना है, आपको 5 बजे उठ के ये खाना है, आपको इधर रहना है, उधर रहना है। जो विनय पिटका के जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स रूल्स थे, ये जो ग्रुप है स्थावीरावदन, ये उसको फॉलो करते थे। बट महासंघिका जो दूसरी ग्रुप बनी, ये ऐसी ग्रुप बनी जिन्होंने बोला नहीं भाई हम 5 बजे नहीं उठेंगे। इनको था कि भाई थोड़ा लिबरल करो, थोड़ा जो स्ट्रिक्ट आपके जो रूल्स रेगुलेशंस इनको थोड़ा नॉर्मल करो, ज्यादा ऐसा रूल्स रेगुलेशंस मत बताओ जो फॉलो नहीं कर सकते। तो यू शुड नो दैट कि जो सेकंड काउंसिल होती है, जो मॉन्क्स होते हैं, जो पाटलिपुत्र वैशाली वाले, इनके बीच में कोसाम्बी अवंती वाले, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है रूल्स रेगुलेशंस को देख के, ठीक है। वो क्या करते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, ये कहते हैं भाई हम इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं कर सकते। फाइनली 2 डिविजन हो जाता है, एक स्थावीरावदन, एक महासंघिका। तो जो स्थावीरावदन लोग वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, विनय पिटका को एकदम फुल टू ऑर्थोडॉक्स इसको फॉलो करते हैं, चाहे जो भी रूल रेगुलेशन, वो बोलते हैं सोना नहीं है तो सोना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब महासंघिका थोड़ा नॉर्मल थे, ये कहते थे भाई हमसे इतना रूल रेगुलेशन नहीं होगा, थोड़ा रूल रेगुलेशन को कम करिए, ठीक है। तो इसकी वजह से डिविजन हो जाता है और यही जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, क्या फॉलो करने क्या फॉलो नहीं करने, इस पे डिस्कशन होता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। चलिए अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वॉज कंडक्टेड बाय एम्परर अशोका ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये सब नाम आपको रखने हैं क्योंकि अगर आप नेट दे रहे हो तो ये डेफिनेटली मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ठीक है, कि कौन बुद्धिस्ट काउंसिल या तो कहाँ हुआ या तो किस राजा के अक्रॉस हुआ। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होने चाहिए। कहाँ हुआ था ये, पाटलिपुत्र में 250 बीसी। कौन इसका हेड था काउंसिल का, हु वाज प्रिसाइडिंग, मोगालिपुत्ता तिस्सा। अब मेन आपका मेन क्या था भाई, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। इस मेन ऑब्जेक्टिव में था कि बेसिकली जो भी देखिए बुद्धिज्म में थोड़े बहुत ऐसी चीजें आ गए हैं जिससे आपको लगता है कि बुद्धिज्म थोड़ी इफेक्टेड हो रही है, तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्योरीफाई बुद्धिज्म फ्रॉम फैक्शंस एंड करप्शन इन संघा। जो भी बुद्धिज्म में करप्शन हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, मान लीजिए खराब लोगों ने आके टेक्निकली संगति खराब करने की बात होती है, तो ये सारी चीजों से बुद्धिज्म को प्योरीफाई करना था, बुद्धिज्म को वापस से वैसा लाना था जैसे वो था। और ये बेमतलब की चीजें जो बुद्धिज्म में इंटरवीन कर चुकी थी, ये सब चीजों को साइड हटाना था, ठीक है। सो दिस वॉज योर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन एजेंडा। अच्छा, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्मा पिटका जो था इट वॉज कंपोज्ड, ओके, एंड फाइनली जो पिटका का कलेक्शन होता है वो पूरा खत्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि विनय पिटका, सुत्त पिटका आपके पहले काउंसिल में ही लिखा चुके थे, एक अभिधम्मा पिटका बचा था जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में भी लिखा चुका है। तो फाइनली जो त्रिपिटका है जहाँ पे विच इज द त्रिपिटका जिसमें विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्मा पिटका का जो ये तीन बुक्स हैं ये कंपाइल हो जाते हैं, तो ये त्रिपिटका का कलेक्शन जो है ये पूरा हो जाता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ से आप देखोगे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए भी निकलने लगते हैं, ठीक है। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एवरीवन कौन से राजा थे? सो यू शुड नो किंग कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी। थोड़े आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी एडी, टाइम तो नहीं आएगा, बट यू शुड नो इट हैपेंड इन कश्मीर, ठीक है। अब किसने इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था? तो यू शुड नो वासुमित्रा एंड अश्वघोषा, इन्होंने इस काउंसिल को हेड किया था, इसके ऊपर प्रिसाइड किया था, ठीक है। अब इस काउंसिल में क्या हुआ था एवरीबॉडी? सो द काउंसिल अगेन टू डिविजन हो जाता है, महायान एंड हिनायान, ओके। अब व्हाट इज महायान एंड हिनायान? देखिए ऐसे तो पूरी कथा कहानी है बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। यू शुड नो Mahāyāna sect believed in idol worship, rituals and bodhisattvas. They regarded Buddha as God. तो इसमें जो हमारी बुद्धिज्म है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स अगेन, महायान जिसको ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है, हिनायान जो कि लेसर व्हीकल बोला जाता है। महायान क्या थे? महायान हमेशा ऐसे करते थे, वो बुद्धा को भगवान के रूप में देखते थे, बुद्धा की मूर्तियां बनाते थे, पूजा पाठ करते थे। जो बोधिसत्वास है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्वास महायान से रिलेटेड है हिनायान से, सो यू शुड ऑलवेज नो इट इज महायान रिलेटेड, ठीक है। बुद्धा को भगवान की तरह पूछते थे, सेम वे जो हिनायान होते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो नो वन थिंग, जो महायान होते हैं उनके चीजों में संस्कृत धीरे धीरे आने लगती है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अब हिनायान क्या होते हैं? हिनायान जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स होते हैं, जो बुद्धा की और टेक्निकली प्रैक्टिसेस होते हैं, टेक्निकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल रहता है, ये इन पे ड्वेल करते हैं। इनको पूजा, ये बेसिकली मूर्ति नहीं विश्वास करते हैं, बुद्धा को भगवान की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, नो आइडल वर्शिप, कोई भगवान की फोटो नहीं होगी बुद्धा की, नो इमेज वर्शिप, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल रहती है ये, बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है ये उसको प्रीच करते रहते हैं। एंड यू शुड नो ये किस में लिखा हुआ था? हिनायन बुद्धिज्म, मोस्ट ऑफ द चीज आर इन पाली लैंग्वेज, बट महायान संस्कृत लैंग्वेज भी धीरे धीरे यहाँ पे आने लगती है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एवरीबडी। And now these are the four symbols associated with Buddha's birth. ठीक है, so this is very important, everyone. Yes, so this is आपको बस इतना ही याद रखना है कि basically किस में क्या हुआ था। फर्स्ट में सुत्त पिटका, विनय पिटका, सेकंड में यू शुड नो कि भाई डिवाइड हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, टेक्निकली ऐसे याद रखना। स्थावीरावदन जो कि प्रॉपर विनय पिटका के जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसको फॉलो करते थे, और जो महासंघिकास के थे वो कहते थे भाई हम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल। देन यू शुड नो भाई थर्ड में क्या होता है, जो बेमतलब की बुद्धिज्म में करप्शन आ जाते हैं, अननेसेसरी चीजें आ जाती है, उससे स्वच्छता दिलाने के लिए, प्योरिटी दिलाने के लिए, इस पे होता है कि बुद्धिज्म को वापस से अच्छे शुद्ध रूप में लेके आओ, क्लियर। फोर्थ में क्या होता है? महायान हिनायन डिवाइड हो जाता है, दैट इज इट। आपको एक ये याद रखना है, दूसरा कौन से राजा थे एंड कौन उसको हेड कर रहे थे एंड कहाँ हुआ था। एवरी टाइम अ क्वेश्चन कम्स ऑन दिस, तो मेक श्योर कि आपका गड़बड़ ना हो। अब चलिए कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। बुद्धा से बर्थ, ठीक है, कभी भी किसी फोटोज में आप देखोगे इतने सारे स्तूपास बने हर जगह, व्हेनेवर बुद्धा इज डिपिक्टेड उनका जो बर्थ है इट इज रिलेटेड टू द लोटस फ्लावर एंड ऑल्सो एलिफेंट। बहुत सारे आप देखोगे स्तूपास में बुद्धा नहीं बने हैं, जैसे हमने जब स्कूल ऑफ आर्ट किया था, अगर आपको पता है तो अमरावती स्कूल जब हमने किया था, तो बुद्धा वहां पे बुद्धा को कभी उन्होंने ह्यूमंस की तरह डिपिक्ट नहीं किया था, बुद्धा हमेशा एलिफेंट के फॉर्म में दिखते थे, ठीक है। क्योंकि जब उनका बर्थ होने वाला था तो एक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि उनकी जो मम्मी है वो सपने में देखती थी कि एलिफेंट उनके पेट से निकल रहे हैं, सो बेसिकली एलिफेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बुद्धा। अमरावती स्कूल में बुद्धा की जगह आपको हमेशा एलिफेंट का फोटो दिखेगा। सो लोटस एंड एलिफेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज द सिंबल जब बुद्धा घर छोड़ के चले जाते हैं, ये देखो आपको उनका हॉर्स भी दिख रहा है। देन फाइनली ही सीज द फोर थिंग्स, और उनको लगता है कि अब लाइफ में मुझे सच्चाई जाननी है, तो एट द एज ऑफ 21 ही लीव्स इट, वो भिक्षु बनने निकल जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड सिंबल ऑफ हिज लाइफ, महाभिनिष्क क्रमना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा सीन ही वैसा है जब बुद्धा जा रहे होते हैं और उनका घोड़ा यहाँ पे वेट कर रहा होता है। This is the Bodhi tree, which is the symbol of his enlightenment. जब उनको लाइफ में सच्चाई पता चल जाती है, when he comes to know the real truth of life, enlightenment, तो ये Bodhi tree हमेशा ये चीज उनके बारे में बताती है, ठीक है। Now this is his first sermon. जब वो पहला sermon देते हैं, जब उनको enlightenment मिल जाती है, and finally वो जब Deer Park बनारस के बगल में he gives his first sermon to those 5 people जो पहले उनको छोड़ के चले गए थे. So ये symbol उनके first sermon की picture है, which is very very important. And this is the wheel जो कि दिखाता है finally the coming of Buddhism, the wheel of Dhamma. And ये उनकी death से related है, the stupa, जहाँ पे basically बुद्धा के जो relics होते हैं, बुद्धा के जो remains होते हैं, वो इस stupa में रहते हैं. So these are the 4 symbols जो बुद्धा के different different life के बारे में आपको बताते हैं. एक उनकी birth से related, एक finally जब वो घर छोड़ के जाते हैं, एक जब उनको enlightenment मिल जाती, एक जब वो sermon देते हैं, एक finally उनका death. So different parts of Buddha, different life of Buddha is by different symbols. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आपकी जो examination है नेट में usually इस पे 1-2 questions आ सकते हैं. वैसे तो ये easy है तो देंगे नहीं, बट 1-2 बार आया भी है. ठीक है guys, तो चलिए दिस इज व्हाट वी डिड. नाउ लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी. 2-3 क्वेश्चंस भी हैं ताकि अगर आप पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं तो थोड़ा क्वेश्चंस में अपना दिमाग खोलिए. ओके एवरीबॉडी, सो नाउ योर हैंड शुड बी ऑन द सर्मन्स. क्या होते हैं सीमा? सर्मन्स ये होते हैं कि मान लीजिए आपने लाइफ की सच्चाई ढूंढ ली तो आप लोगों को बताओगे ना कि मेरे अब ये उनका 8 नोबल ट्रूथ्स हैं कि आप ऐसा करो लाइफ में, आप अच्छे से जियो, आप चोरी मत करो. सर्मन्स इज बेसिकली दिस स्पीचेस वेयर फिलोसफीज जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि आपको लाइफ कैसी जीनी है. उनको है कि भाई मैं सीख गया, अब तुम लोग भी सीखो, तो ये सर्मन के रूप में लोगों को बताते हैं. ओके एवरीबॉडी, सो चलो लेट अस गो थ्रू जस्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये आता है एंड कौन से प्लेसेस कहाँ पे हुआ है, तो अभी हमने देखा है फर्स्ट बुद्धिस्ट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड एंड फोर्थ, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर. सो एवरीबॉडी राइट योर आंसर. सिमरन is saying D, मिशन यूपीएससी saying D, विदिशा is saying D. आपको ऐसी प्रैक्टिस करने गाइस, ठीक है. वैसे तो बुद्धिज्म बहुत बड़ा है, अगर मैं सेशन लूंगी तो 1-2 घंटा का सेशन बुद्धिज्म पे हमारा नेक्स्ट क्लास भी कभी होगा व्हेन आई एम टीचिंग यू होल बुद्धिज्म, बट क्योंकि एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सो जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ओके ओके, सो मिशन यूपीएससी डी 100. ओके, सचिन डी, इमरान डी, जिया डी, हैरी पॉटर डी, अहानूर डी, प्रियंका, पूजा, पंपा, दीपा अगेन दीपा, मीरा डी, मनोज डी, इमरान डी एंड बाकी लोग जो आप देख रहे हैं, वेयर इज योर आंसर. 1-2 क्वेश्चंस ही है एवरीबॉडी, सो डोंट वरी. ओके एवरीबॉडी, सो हैरी पॉटर, मॉम्स किचन डी, पिल, रूबी डी. ओके परफेक्ट, सो हियर द आंसर इज डी. नेट एग्जामिनेशन के आपको ऐसे ही पढ़ने, या तो प्लेसेस आ जाएंगे, या तो किस राजा ने पेट्रोनेज दिया था उनका नाम आ जाएगा, या तो कौन प्रिसाइडेड थे इस काउंसिल में, कौन हेड कर रहे थे, कौन मेन प्रिसाइडिंग थे, उनका नाम आ जाएगा. तो बस जब भी पढ़ो ये तीनों का नाम हमेशा याद रखना. या तो कभी कभी ये भी आ जाएगा कि राजा का नाम दिया रहेगा और बोलेगा कि क्रोनोलॉजिकली सेट करो. तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो प्लीज इसको पढ़ना क्योंकि आता है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी. द रूल ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक लाइफ आर लेड डाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किस ऐसे किताब में या किस ऐसे आपको कंपाइलेशन में जो मोनास्टिक लाइफ है बुद्धा की, जो संगा थी कि भाई कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, इनके बारे में इनके रूल्स किस बुक में डिस्क्राइब थे. वी हैव डन दिस इन दिस सेशन एवरीबॉडी. जिया, व्हाट अबाउट वुमेन एजुकेशन इन बुद्धिज्म. पहले तो यू शुड नो वन थिंग कि इनिशियल जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें वुमेन को उतना ज्यादा ये क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. बहुत सारी चीजें उनको अलाउड नहीं थी शुरू में, बट लेटर ऑन क्योंकि बुद्धा को 2-3 उनके जो चेले होते हैं दे टेल हिम अबाउट यू नो हाउ वुमेन कैन ऑल्सो कम इन. तो धीरे धीरे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो वुमेन के लिए थोड़े थोड़े लूज होते हैं. पहले इन सीवियरली जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फॉर वुमेन दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. बाद में धीरे धीरे आप देखोगे कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल होते हैं. सो डोंट वरी, वी हैव दिस होल सेशन विच इज गोइंग टू कम प्रॉपर बुद्धिज्म पे 2 घंटे का क्रैश कोर्स विच इज गोइंग टू हैपन सम टाइम. तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी. ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए शुरू में वुमेन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो बहुत सिवियर थे एंड उतना ज्यादा उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. दे वर नॉट इवन अलाउड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बाद में धीरे धीरे उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस थोड़े रिलैक्स होते हैं. तो चलिए एवरीबॉडी, बी आंसर विनय पितका. ओके, शिवानी बी, मंजू बी, मॉम्स किचन बी, विदिशा बी, विनय पितक. ओके, रॉकी बी बी. ऐसे ही आपको पढ़ना है. फंडर बी, शैलेश बी. जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो, दिस इज फॉर यू ऑल्सो. दीज क्वेश्चन ऑलवेज कम. सुमिशा दी, जयश्री दी, पंबा दी, मीरा दी, किरण बी, सीमा बी, पूजा बी. ओके एवरीबॉडी, सो दिस इज लाइक रियली ग्रेट. द आंसर इज बी. ओके, तो आपको ऐसे सिंपल चीजों को लेके पढ़ना है. और ज्यादा प्रॉपर बुद्धिज्म कब आया था, क्यों आया था, इस पे क्रैश कोर्स होगी 2 घंटे का, क्योंकि आधे घंटे में ये चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी. तो दैट आई विल ब्रिंग अगेन, सो डू नॉट वरी. Okay, the tree in railing symbol is associated with which of the following? Tree in railing symbol. Okay, seals in Harappa, pottery from Buddhist centers, पंचमार्क कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड. ओके, ऐसे क्वेश्चंस नेट में आते हैं. तो ये जो ट्री इन रेलिंग वाला जो सिंबल है, पहले आपको सीधा सी हरप्पा तो आप सीधा सीधा ही काट दोगे, ठीक है. सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. सो किसमें? ओके, वैष्णवी इज सेइंग बी, अलीम इज सेइंग बी, पंपा इज सेइंग सी. बाकी लोग जो देख रहे हैं गाइज, इफ यू डोंट इवन नो कि ट्री इन रेलिंग क्या होता है, ठीक है, हरप्पा तो पहले पहले ही कट जाएगा, ठीक है. यू कैन ऑलवेज पंचमार्क कॉइन्स, यू कैन ऑलवेज यू नो एलिमिनेट इट थ्रू ऑप्शंस. सचिन इज सेइंग बी, लाजवंती इज सेइंग बी, विदिशा इज सेइंग बी, जिया इज सेइंग बी, मिशन यूपीएससी सेइंग बी, बी 100%. ओके, इमरान इज सेइंग बी, निर्मल इज सेइंग बी, रॉकी बी. Perfect. The answer is pottery from Buddha Center. See, this is how you have to study these guys. Okay, and तो ये हमारा session था finally on Buddhism, where I just got out all the important things related to Buddhism. And नेक्स्ट देखो, नेट के लिए पढ़ना है तो आपको ऐसी थोड़े थोड़े चीजें पिकअप करनी पड़ेंगी. अगर आप प्रॉपर बुद्धिज्म पे पूरे उनके बुद्धिज्म कैसे आया, तो भी ऑल नो कि भाई आयरन एज हो चुका था, बुद्धिज्म आते हैं, नए क्लासेस बनते हैं, मर्चेंट क्लासेस आते हैं, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी लोगों को नहीं पसंद आ रही थी अब. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है. बट अगर इन पे आप पढ़ के पूरा टाइम वेस्ट करके 2-2 घंटा तक सिर्फ ओरिजिन पे ही पढ़े जा रहे हो, तो देन यू आर वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर गाइज. यू हैव 1 month इन योर हैंड, विच इज अप्रैल का महीना, मई ऑलमोस्ट मार्च खत्म ही हो चुका है, होली भी आ रही है. So you have to do smart study here. Just do those stuff which is very very important for the examination. आप अगर इसमें time waste कर रहे हो, अपना बेमतलब की चीजें पढ़ रहे हो, तो at present वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाली है. So before the examination, we have lot of questions which are going to come up. Past papers भी discuss करेंगे, expected questions भी discuss करेंगे, crash courses भी होने वाले हैं, और all these things. देखिए आधे घंटे में तो Buddhism कभी खत्म नहीं होगा, तो 2 घंटे का crash course होगा. Well, I will take you through everything, every aspects. Okay, so don't worry about that. Also, हमारा जो session होने वाला है on थर्सडे आर्किटेक्चर पे होने वाला है, तो जिसको भी आर्किटेक्चर से प्रॉब्लम है, कभी कुछ समझ नहीं आया, प्लीज ज्वाइन द सेशन. थर्सडे को सल्तनत आर्किटेक्चर करेंगे, एंड फाइनली सैटरडे वी हैव दिस मुगल आर्किटेक्चर एवरीवन, ठीक है. तो फॉर एवरी रिलेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्किटेक्चर फॉर द एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू कम, डू ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम 3 PM. ओके एवरीबडी, सो आई होप यू लव द सेशन, ठीक है. थोड़ा प्रिसाइज है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे एग्जाम के पहले, वैसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है. सो डू ज्वाइन द सेशन ऑन आर्किटेक्चर बैक टू बैक, जहां पे आर्किटेक्चर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाए. अगेन थोड़ा पढ़ के भी आना कि क्वेश्चंस का आंसर दे पाना एवरीबडी. ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू सी यू ऑन थर्सडे विद आर्किटेक्चर 3 PM, तो टाइम से आ जाना. Okay, until then, please take care of yourselves and please prepare very well for the examination. आपको कोई भी queries हैं related to history. Okay, so right now the Telegram channel isn't made, but you guys can definitely put your queries in the Gradeup section. अगर आपको history से related कोई भी queries हैं and you want me to clarify them, you can always post your doubts in Gradeup, and I'm going to clear them for you. So do not worry, we are here to help you in every way we can. और architecture तो भाई सबका पसंदीदा topic है, तो उसको भी deal करते हैं Thursday and Saturday. देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो लोग आर्किटेक्चर से बड़ा डरते हैं. तो लेट अस सी. I'm going to see you at 3 PM Thursday. Till then, take care of yourselves and please अच्छे से prepare करो. कोई भी doubt है, anytime I'm always approachable. You can always post your doubts. Okay, guys. So take care of yourselves and thank you so much for joining the session. और 3 बजे architecture. ठीक है, भागना नहीं है, आ जाना. Photos के थ्रू पढ़ाऊंगी, अच्छा लगेगा. ठीक है, so see you. दो options हैं. सिर्फ prep करो या grade up के साथ सही प्रेप करो. ये है मिस्टर पीएचडी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी मटेरियल हंट करने में पीएचडी. अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड किया है. प्रैक्टिस पेपर्स भी. इतनी पीएचडी के बाद एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं. तो सही प्रेप करना है यार. बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ग्रेडअप है ना. ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है. डाउनलोड नाउ.